देखो फर्स्ट वाला जो मेथड है वो देखने में हमें थोड़ा लंबा लग सकता है, पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस मेथड पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि उस मेथड को हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, और उसमें डेसिमल में वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, हमें फ्रैक्शन में वैल्यू लिखनी है, उसी फॉर्म में हमें आंसर दे देना है उसको, मतलब डिवाइड करके डेसिमल में, कम डेसिमल में मत कैलकुलेट करो, यानी तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। आई होप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन आप सभी को देता हूं मैं। सॉल्व वन, फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सभी का आंसर आ गया होगा। फाइव रेशनल नंबर चाहिए तो हम तो सिंपल क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा, 30/50 एंड 40/50। नाउ लिख देंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। तो हम तो 9 बता सकते थे, हमने 5 उसमें सेलेक्ट कर लिए, ये हमारे आंसर आ जाएंगे। ये आसान है। जो हमारी फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ये क्वेश्चन हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट वाले का आंसर बताइए, फर्स्ट इज ट्रू और फॉल्स, क्या होगा फर्स्ट? Thank you.
फर्स्ट वाला हमारा क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यस इट इज ट्रू। सेकंड, ट्रू और फॉल्स? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बिल्कुल रॉन्ग है। एंड थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, थर्ड इज ऑल्सो फॉल्स। इस राइट रॉन्ग में तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना? आई थिंक कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ 10 अपॉन 3, 7 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 7। मतलब इसको आप डिवाइड करना और डेसिमल में बताना है। बताइए डेसिमल में क्या वैल्यू आएगी इनको डिवाइड करके? देखो कितने डेसिमल प्लेस बताने हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है कि या तो वो रिपीट होना स्टार्ट कर दें, नंबर जो डेसिमल के डिजिट हैं रिपीट होना स्टार्ट कर दें, या फिर पूरे एंड हो जाए। तो जैसे रिपीट होना स्टार्ट होता है तो उसको हम बार के फॉर्म में लिख देंगे, और एंड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
तो सभी लोग चेक करो, देखो इस तरह से सॉल्व करना था और ये आंसर आने हैं, सभी के ये आंसर आ रहे हैं। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ये सबका हो गया। तो देखो यहाँ जो क्वेश्चन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.3 बार, इस तरह से लिखा जा सकता है ना आसानी से। तो 3.3 बार, ये जब भी हम बार के टर्म्स में लिखते हैं तो ये क्या बनता है, एक रेशनल नंबर ही रहता है ना, इरेशनल नहीं होता है, ये मालूम होगा। नहीं मालूम है तो याद रखो, जब भी हम बार के टर्म्स में लिखते हैं तो ये क्या रहता है, रेशनल। और ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है, 0.875। इस तरह के डेसिमल नंबर को क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोला जाता है। और ये भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। और इस चीज को हम क्या लिखते हैं, 0.142857, इसके आगे रिपीट होता है, तो इतना बड़ा ये बार लगता है, ये चीज बार बार रिपीट होती है, इस पर भी बार लगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। सभी को क्लियर है डेसिमल एक्सपांशन, है ना, आसान चीजें पहले भी की है। आज हम इतना ही करते हैं, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या देखा था हमने इन इसको हमने रिवाइज किया था, कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल एंड रियल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, कोई भी दो नंबर हमें दे दिए जाए, कोई भी दो रेशनल नंबर, और उनके बीच में कितने भी रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, 5, 6, कितने भी। और इसके लिए हमने टू मेथड सीखे थे, फर्स्ट मेथड जो कि मिड पॉइंट मेथड या मिडिल टर्म मेथड बोला जाता है, इसमें हम जिन भी दो नंबर के बीच का हमें नंबर निकालना है उन दो नंबर को ऐड करते हैं और टू से डिवाइड कर देते हैं। और सेकेंड मेथड क्या सीखा था, जो जितने नंबर हमें फाइंड करने हैं बीच में उससे बड़ा कोई भी एक अच्छा सा नंबर लेते हैं और उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके हमें बहुत सारी वैल्यूज मिल जाती हैं, उसमें से जितना रिक्वायर्ड है उतने रेशनल नंबर हम लिख कर दिखा देते हैं। सभी को क्लियर है, कोई डाउट आज की क्लास में, छोटा सा, बड़ा सा, एनीथिंग? ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं।